पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। बाबा रामदेव को जिसकी वजह से न्यायालय से फटकार पड़ी थी, उस केस की फाइल अब बंद हो चुकी है। बता दें, पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी है। भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के खिलाफ कथित तौर पर दुष्प्रभाव अभियान चलाने का आरोप लगा था। इस मामले में पतंजलि और योग गुरु रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी।